सीसीटीवी में कैद हुआ चोरी का लाइव वीडियो। यूपी के कन्नौज जिले में देर रात बेखौफ चोर ने छिबरामऊ कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर शहर इलाके स्थित कई दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी। चोरी की घटना एक मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक साथ कई दुकानों में चोरी की घटना से व्यापारी समाज का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। व्यापारियों का कहना था कि एक महीने के अंतराल में कई चोरियां हो चुकी हैं, पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई। अब एक और चोरी की घटना सामने आ गई। घटना छिबरामऊ कोतवाली के शहर इलाके की है। यहां देर शाम चोरों ने एक साथ सात दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने ज्वेलरी शॉप, मेडिकल स्टोर, मार्बल शॉप सहित सात दुकानों के शटर तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। छात्र चोरों ने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पहले तोड़ा, लेकिन मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरों को देख नहीं पाए और चोर वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोरी की घटना से व्यापारी समाज में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही की मांग की। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस लगातार रात्रि गश्त का दावा करती है, लेकिन पिछले एक महीने में हुई 15 से ज्यादा चोरियों की घटना पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं एक साथ कई दुकानों में हुई चोरी की घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। पुलिस की ये बहुत घोर लापरवाही है। पुलिस में कोई गश्त वस्त नहीं लगाती है। आज नगर में पूरी सात दुकानें टूटे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। और व्यापारी वर्ग में विशेष तरीके की दहशत है। कल को हर तरीके धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी लोगों मांग है कि सही ढंग से गश्त हो, सही ढंग से उसकी वो सही ढंग से जांच हो। शहर में इससे पहले कई घटना हुई, उसके सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आई थी उसके भी अपराधी अभी नहीं पकड़े गए। अभी तक पिछली जो चोरियां हुई अभी तक आरोप नहीं पकड़े गए? नहीं, अभी आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया, कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई खुलासा नहीं पुलिस कर पाया अभी तक। पवन मेडिकल स्टोर, मेरा नाम पवन दीक्षित है, दुकान का नाम पवन मेडिकल स्टोर है। एक दुकान की आपकी चोरी हुई, अब दुकान आप कैसे सुरक्षित करेंगे? 3:08 में घुसे हैं सुबह और 3:14-15 में निकले हैं। वहाँ से तीन लोग थे और लगभग 1.5-2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लगभग सामान नुकसान है। रुपए मिला के 1.5 लाख रुपए कैद था उसमें और 50 लगभग 30-40 हज़ार का सामान लेके। क्या पुलिस का गश्त नहीं होता क्या है? अगर गश्त होती तो 6 दुकानें नहीं टूटती वहाँ नगर। अब गश्त तक होती तो नहीं टूटती, कुछ तो है उनका। अब आप लोग दुकान कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? अब सुरक्षित हमने खुद करनी पड़ेगी, क्या करें, बैठना पड़ेगा रात में यहाँ पे। दिन में दुकान चला, रात पर तो सो ही। कहीं ना कहीं पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ना है? भरोसा नहीं है, ऐसे भरोसा कैसे कर सकते हैं। आपकी दीप कुमार गुप्ता, न्यू दुर्गा बुक डिपो नाम से दुकान है हमारी। ये क्या हुआ आपकी दुकान? ये सर करीब 7 बजे मेरे पास फोन गया कि तुम्हारी दुकान काट गई, तो शटर काट दिए गए हैं। तो हमने पहले नहीं समझा, हमने शटर कैसे कट जाएंगे, इतनी मजबूत शटर लगी। लेकिन फिर हमने एक लोगों को फ़ोन किया, हमने भाई साहब क्या सही बात है, हमने बिल्कुल सही बात है, बहुत भीड़ लगी है। तो फिर जब हम आए हमने देखा तो बहुत सब कटे हुए पड़े थे। क्या क्या सामान चला गया? सामान एक तो लैपटॉप चला गया, HP का लैपटॉप है, 47,000 रुपये के आसपास है। और जो है एक उसमें डिवाइस थी वो भी चली गई। नकदी वगैरह कुछ? नकदी करीब 4-5 हज़ार रुपये नकद चला गया, पूरी गोलक झाल ले गई। क्या सीसीटीवी में घटना हुई? सीसीटीवी में घटना हुई, सीसीटीवी कैमरे बाहर के दोनों पहले काट दिए, फिर अंदर घुसा आदमी, अंदर घुस के जो है उसने मतलब जो है पहले वो टूरा, वो पहले गोलक झारी, गोलक झारने के बाद जो है उस पर चढ़ के और कैमरे को काटा, वॉइस रिकॉर्डर हटाया, फिर उसके बाद उसने वो भी हटा दिया। आपकी दुकान में कितने बजे घटना है? ये करीब इसमें कैमरे में 1:10-15 दिखा रहा है, 1:30। कितने नगर में चोरियां हुई हैं, है कुछ जानकारी आप? नगर में 6 दुकानें काटी गई हैं। क्या गश्त? गश्त होता होता तो कैसे कट जाती दुकानें? ये पहले भी काटी गई है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दुकानदार को उल्टा हड़का दिया गया था तो उसने बेचारे ने अपने सही सलामत करा लिया, उसके बाद ये घटना होगी। अगर उस दिन कोई मतलब कार्रवाई हो जाती तो ये घटना नहीं होती। क्या है आप? हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। तक तो दुकान वैसे भी बंद रही 6-7 महीने लगातार,
और उसके बाद अपने थोड़ा चालू हुआ, उसके बाद भी मतलब जो है ये पुलिस गश्त करती नहीं है। ऐसे आप लोग दुकान कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो सुरक्षित क्या है, अभी तो वही है, क्या कर सकते हैं, जब गश्त नहीं होगा तो सुरक्षित कैसे होंगे? कुछ भी लगवा दें, कितने भी ताले लगवा दें, तो उन्हें तोड़ने हैं तो तोड़ेंगे। ये तो जगह पे बल्ब भी जग रहा था, बल्ब निकाल के फेंक दिया, कैमरे भी लगे थे, परमानेंट लाइट जगती है, और यहाँ पे इतना मतलब जबकि आवागमन बहुत भयंकर रहता है, रात में भी यहाँ से आदमी निकलती है, उसके बाद ये पोजीशन है यहाँ की, जब यहाँ सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित होगी।